अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ाज़ सईद फ्रॉम टाइम्स इंस्टीट्यूट एंड वेलकम टू द डिफरेंशियल इक्वेशन 2। स्टूडेंट, हम लोग लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में स्टूडेंट, हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद नोन सॉल्यूशन को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक सिंपल मेथड एंड सेकेंड इज़ रिडक्शन मेथड। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया, उसमें हमने रिडक्शन मेथड किया, उसी तरह से हमने उसका सिंपल मेथड भी किया। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया, उसमें हमने फर्स्ट में सिंपल मेथड देखा और आज हम उसका रिडक्शन मेथड करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो ये रही, और जो गिवन फंक्शन है आपके पास e रेज़ टू द पावर x, और जो इस फंक्शन की जो डोमेन गिवन है वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक की है, मीन्स ओपन इंटरवल है। इस ओपन इंटरवल पर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। y डबल डैश माइनस 4 y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 0, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 1 में स्टूडेंट हम आएंगे, तो स्टेप 1 में हमने क्या कहा था कि लेट y इज इक्वल टू u y1, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने क्या करना था, हमने इस यू वाई वन की जो गिवन फंक्शन की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। स्टेप नंबर 2 पर आएंगे। स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट हमने कहा था कि हमारे पास ये जो इक्वेशन आई, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लेकर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। जी, फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, पहला फंक्शन वैसे का वैसा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे का वैसा फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। स्टूडेंट, अब इसी का हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, पहला फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव सेकंड पार्ट प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव फर्स्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव सेकंड का प्लस सेकंड फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का। जी स्टूडेंट, अब ये देखिए हमारे पास y भी आ चुका, y डैश भी आ चुका और y डबल डैश भी आ चुका, तो ये हम वैल्यूज़ उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 स्टूडेंट क्या बनी हमारे पास, y डबल डैश की वैल्यू ये रही u e रेज टू द पावर x प्लस u डैश e रेज टू द पावर x प्लस u डबल डैश e रेज टू द पावर x प्लस यू डैश ई रेज टू द पावर एक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, माइनस 4 इंटू वाई डैश, वट इज़ वाई डैश, वाई डैश इज़ यू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस यू डैश ई रेज टू द पावर एक्स एंड प्लस 3y, प्लस 3, वट इज़ वाई, वाई इज स्टूडेंट यू e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो u e रेज टू द पावर x प्लस u डैश e रेज टू द पावर x प्लस u डबल डैश e रेज टू द पावर x प्लस u डैश e रेज टू द पावर x। जी स्टूडेंट, माइनस 4 u e रेज टू द पावर x, इसी तरह प्लस इन माइनस माइनस 4 u डैश e रेज टू द पावर x प्लस 3 यू ई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, हम डिसेंडिंग वाइज देखेंगे कि हमारे पास यू डबल डैश जैसी टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो यू डबल डैश ई रेज टू द पावर एक्स आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, यू डैश वाली टर्म देखिए, ये रही, ये रही और हमारे पास ये रही, तो प्लस 1 एंड प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 u डैश e रेज टू द पावर x। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास u वाली टर्म्स हैं, 1 एंड प्लस 3 प्लस 4, प्लस 4 में से स्टूडेंट नेगेटिव के 4 चले जाएं तो 0 हुआ, मीन्स हम इसको डायरेक्ट इस तरह से कैंसिल कर देंगे, एयर इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास देखिए, यहाँ से e की पावर x को कॉमन लिया जा सकता है, तो हमारे पास 2u डैश इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, या तो ये इज इक्वल टू 0 है या फिर ये इज इक्वल टू 0 है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो टर्म है वो 0 के इक्वल है
और e रेज टू द पावर x ज़ीरो के इक्वल नहीं है। क्यों ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकती स्टूडेंट? बिकॉज ये जो फंक्शन है वो इस रेंज में, इस डोमेन में लाए करता है। आप इसमें प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की कोई भी वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दें तो आंसर ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसी वजह से हमने कहा कि ये जो फैक्टर है वो ज़ीरो के इक्वल है और e रेज टू द पावर x ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी, इक्वेशन नंबर थ्री आ चुकी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास ये अभी तक स्टेप नंबर टू कंप्लीट हुआ, तो स्टेप थ्री पर आएंगे। तो स्टेप थ्री पर स्टूडेंट हम इस सब्स्टिट्यूशन को स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि ये फ्यूचर में हमारे काम आनी है। मैं इसको रेस कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट ये हमारे पास u डबल डैश माइनस टू u डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर थ्री। यहाँ स्टूडेंट हमने स्टेप नंबर थ्री को यूज़ करना है। स्टेप नंबर थ्री लेट w इज़ इक्वल टू u डैश। स्टूडेंट इसका अगेन डेरिवेटिव लीजिएगा, u डैश w डैश इज़ इक्वल टू u डबल डैश। तो इक्वेशन थ्री बिकम, तो हमारी जो इक्वेशन थ्री है वो किस तरह हो जाएगी स्टूडेंट? ये हमारे पास स्टूडेंट बना w डैश माइनस टू w इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा स्टेप नंबर थ्री है। तो आप ज़रा गौर से देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन है। हम यहाँ पर शो करते हैं इट इज़ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन। तो स्टूडेंट जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ करती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स क्यू ऑफ एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर क्यू ऑफ एक्स होता तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन कहलवाती। तो अगर स्टूडेंट हम कंपेयर करें अपनी इस इक्वेशन को, तो हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है स्टूडेंट वो माइनस टू के इक्वल है स्टूडेंट। तो उसका जो सलूशन था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर वन का, बेसिकली हम क्या करते थे, पी ऑफ एक्स को फाइंड आउट करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया करते थे, जिसका कि स्टूडेंट हमारे पास जनरल फार्मूला था ये ई इंटीग्रल p of x into dx। स्टूडेंट आइए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट हम इसको रेज कर देते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो if फाइंड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, हमारे पास माइनस टू है स्टूडेंट, p of x हमने वैल्यू को सब्सिट्यूट किया, तो if is equal to e raised to the power minus 2x student, because minus 2 बाहर चला जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हुआ करता है। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी और इसको स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे, बिकॉज इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस जो w में इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो कुछ हमें इस तरह से मिलेगा e रेज टू द पावर माइनस टू एक्स डब्ल्यू डैश माइनस टू e रेज टू द पावर माइनस टू एक्स w इज इक्वल टू ज़ीरो। जी स्टूडेंट गौर से देखिए, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? और कुछ नहीं स्टूडेंट, मैंने प्रोडक्ट फॉर्म को कन्वर्ट किया इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, मींस ये डेरिवेटिव का प्रोडक्ट फॉर्म ओपन हुआ हुआ था दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई जब किया जाए। तो बेसिकली मैंने इसको कन्वर्ट किया, इसको मर्ज किया। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको दोबारा ओपन करूँ तो ये वही फॉर्म बनेगी। फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें, सेकेंड इट्स छोड़ें, फिर उसके बाद आपने क्या करना है,
फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ और डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन आप लेंगे, तो बेसिकली ये उसी के इक्वल आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमें यहाँ तक पहुँच गए, हमारे पास ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 4 पर आएंगे स्टूडेंट। स्टेप 4 क्या होगा? टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, बिकॉज हमारे पास ये डेरिवेटिव है तो हम यहाँ टेकिंग शो कर देंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। स्टूडेंट जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हुआ, w इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू c1। स्टूडेंट यहाँ से w का आंसर फाइंड आउट करें, w इज इक्वल टू c1 ई रेज टू द पावर 2x, बिकॉज ये यहाँ पर आकर डिवाइड हुआ और डिवाइड को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास कुछ ये शेप आएगी प्लस के 2x में। जी स्टूडेंट, स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 5 पर आएंगे। स्टेप फाइव में स्टूडेंट हमने w को क्या लेट किया था, बट w इज इक्वल टू यू डैश, तो दिस इम्प्लाइज दैट u डैश इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर 2x। ये जो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन आई, आप इसको भले आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें, ठीक है। स्टेप 5 में हमने क्या कहा कि w बेसिकली u डैश के इक्वल था, तो आपने u डैश को इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन 5 बिकम, तो हमारे पास बेसिकली जो w की वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट करने से जो इक्वेशन 5 बनी वो कुछ ये बनी। अगेन स्टूडेंट देखिए, हमारे पास क्या है पड़ा, u डैश है। एक्चुअल में हमने करना क्या है, जितना भी हम काम कर रहे हैं बेसिकली u फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लेट किया था सब्स्टिट्यूशन, लेट y इज इक्वल टू यू वाई वन, और उसमें हमने y1 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट की थी, तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 इसका नाम दिया था। तो हम बेसिकली u फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखिए u फाइंड आउट करने के लिए बस एक स्टेप बाकी है, बिकॉज ये डेरिवेटिव है, हम एक बार इसका अगेन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, u की वैल्यू फाइंड आउट होगी। जी स्टूडेंट, इसका आगे टेकिंग अगेन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो ये हमें मिला स्टूडेंट u इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर 2x बाय 2 प्लस c2, बिकॉज एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन होगा e रेज टू द पावर 2x, तो 2x का अगेन नीचे जाकर डेरिवेटिव भी होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास u की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन 2 बिकम, तो सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगी, y इज इक्वल टू u, व्हाट इज u स्टूडेंट, c1 e रेज टू द पावर 2x बाय 2 प्लस c2 इनटू e रेज टू द पावर x। जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर 3x बाय 2 प्लस c2 e रेज टू द पावर x। जी स्टूडेंट, यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास y1 गिवन था, आप यूँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर c1 1 है, हेयर c1 1 एंड आल्सो c2 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको स्टूडेंट इस तरह से भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू, देखिएगा, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2 e रेज टू द पावर 3x बाय 2। c1 और c2 हमारे पास 1 के इक्वल है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो y1 निकला e रेज टू द पावर x, और y2 की वैल्यू भी आप देख सकते हैं e रेज टू द पावर 3x बाय 2। और स्टूडेंट आपने सिंपल मेथड जो इसी क्वेश्चन का लिया था, आप उसमें भी आपने जो y2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो यही थी,
मीन्स आप सिंपल मेथड से करिए या रिडक्शन मेथड से करिए, दोनों सूरतों में आंसर सेम है, बट डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि वो हमें कौन सा मेथड पूछता है। लेट्स सपोज अगर तो वो किसी मेथड का नाम नहीं लेता तो फिर तो हमारी चॉइस पर होगा कि हम जो भी मेथड यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, बट अगर वो बाय नेम दे देता है स्टूडेंट तो फिर हमें रिस्ट्रिक्ट रहना होगा। जी स्टूडेंट, ये था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद नॉन सॉल्यूशन। आज का टॉपिक स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।